हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पेरीमीटर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का निकालते हैं, जिसमें रेगुलर पॉलीगन में आपका स्क्वायर आ गया है ना, हेक्सागन आ गया, पेंटागन आ गया, तो ये सारी शेप्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ही है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, और एन यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ साइड्स ऊपर, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें एन नंबर ऑफ साइड्स है, जैसे हेक्सागन होगा, जैसे मान लेते हैं हेक्सागन होगा, तो उसकी जो साइड होगी हमारी, उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। पेंटागन अगर होगा तो उसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। इस तरीके से और भी साइड्स की लेंथ हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर कुछ ये है, पेरीमीटर को मैंने आपको बता रखा है कि पेरीमीटर क्या होता है, कि किसी भी शेप की टोटल साइड्स को, टोटल लेंथ को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं या उनका सम कर देते हैं तो वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो उसकी साइड्स इक्वल होती हैं बेसिकली। तो मैंने कहा था कि सम ऑफ बाउंड्रीज, तो इसकी कितनी, 4 बाउंड्रीज हैं, तो अगर आप ऐड करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 8। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, 4 इंटू साइड, आप ये भी यूज कर सकते हैं, तो उससे भी हमारा सेम ही आंसर आने वाला है, 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, अब इसी में आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, और उसकी साइड जैसे मान लेते हैं एक साइड 2 है तो दूसरी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तब क्या करना है, तो तब भी आपको यही करना है कि रेक्टेंगल आपने जैसे मान लीजिए ड्रॉ कर लिया, एक आपका 4 है, ये 2 है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हो गई, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, जस्ट सम ऑफ कर दो बाउंड्रीज की लेंथ का, 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 2 4, 4 3 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। हाँ, यार एक चीज याद रखनी है कि आपको यूनिट जरूर लगानी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो उसके भी मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ जो है रेक्टेंगल एक बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल जैसे हमने बना लिया, फिर से इसकी एक साइड होगी हमारी एक्स और दूसरी हो गई वाई। ठीक है, अपोजिट साइड्स मैंने पहले ही बताया कि इक्वल होंगी रेक्टेंगल की, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज सम ऑफ, है ना, ये बताया ना, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो लिख दो कितना आएगा आपका, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक्स प्लस वाई बचेगा, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर सेम चीज मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके में आपका स्क्वायर भी पूछ सकते हैं कि मान लेते हैं आपका स्क्वायर है और साइड उसकी एक्स है, तो उसका सीधा सा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। एक चीज और पूछी जा सकती है, एंड वो क्या है, वो पूछी जा सकती है कि आपका जो है ट्रायंगल, मान लेते हैं ट्रायंगल दे दिया हमें, ठीक है, तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी, तो ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो मान लेते हैं पेरीमीटर पूछ लेते हैं, पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो
तो बस क्योंकि हमारा हमें पता है ना कि सम ऑफ साइड्स टोटल कर लेते हैं अगर किसी भी शेप का, तो वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन विद 4 साइड 4 सेंटीमीटर। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना, फॉर्मूला हमें पता है क्या है। रेगुलर पेंटागन का अगर हम बात करें तो 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड है ना, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो कर लेते हैं, 5 साइड कितनी है, 4, तो 5 4 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जगह आपका पेंटागन की जगह आपको हेक्सागन भी आ सकता है, तो हेक्सागन में क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ ईच साइड से। जैसे मान लो इसी को मैं हेक्सागन बोल देता हूँ, तो उस समय पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। तो कितना जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपके पास सिर्फ दो चीज, दो शेप्स का एरिया आपको याद रखना है। एक तो हो गया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में अगर हम ये लेंथ ले लें या ब्रेथ ले लें तो एरिया फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, एक तो ये है। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास स्क्वायर आ जाए, तो स्क्वायर अब मान लेते हैं ये साइड एल मान लेते हैं, तो ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, तो इसका जो एरिया हो जाएगा हमारा एल इंटू एल, या फिर साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 12 बार 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में देखिए यूनिट यहाँ पर स्क्वायर आ रही है, ठीक है, आप इस पर ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स भी। चलिए अब इसी तरीके से आपको स्क्वायर का भी पूछ सकते हैं, तो स्क्वायर की साइड दी होगी और उसका एरिया आपको निकालना है, तो वहां पर उसका साइड इंटू साइड कर देना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो बेसिकली क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन होगा, या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी गिवन हो सकता है, एंड आपको एक साइड दी है, आपको क्या निकालना है, दूसरी साइड निकालनी है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल कितना है, 2 इंटू x प्लस y, यही होता है 2। अब x कितना है, 50, और y आपको नहीं पता है, लेकिन ये पेरीमीटर तो पता है, ये 2 लिखा। तो अब करोगे सॉल्व, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 50 प्लस y, ये 100 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, तो 50 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या हो सकता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया, मान लेते हैं हम स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, स्क्वायर पेरीमीटर मान लेते हैं हम 100 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं। तो लेंथ निकालने को आ सकती है, साइड या निकालने को, तो कैसे निकालोगे, हमें पता है स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं 100 है, और यहाँ 4 इंटू x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 100/4, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कर लेने।